होंगे मेरे देखने वाले, जहाँ रहे कुछ रहे आवाज रहे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा तैयार क्यों हुई हूँ। इसकी वजह ये है कि आज हम जाने जा रहे हैं एक स्ट्रेंजर की वेडिंग पे, यानी ऐसी शादी पे जो जिन्होंने हमें नहीं बुलाया और हम नहीं जानते वो कौन होंगे। तो YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि जिसमें जो है वो लोग जाते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम भी चले जाए। प्रिया तुम ना हो प्लीज़, तो हम लोग जा रहे हैं। और क्या मैं रेडी हो चुकी हूँ, प्रिया रेडी हो चुकी है, और हम लोग ने बताना है कि वो हाउ आर वी लुकिंग। और अब आगे जाके पता नहीं हमें शादी है भी या नहीं, टिक्का मुझे दो लेकिन पहला भी नहीं आता। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, सो लेट्स गो, जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो कुत्ता भी नहीं आता यार, क्या करें जब कोई बुलाता नहीं है तो फिर ऐसे घिसना पड़ता है किसी की शादियों में। सो लेट्स गो। सामने देखे चांद कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सुभान अल्लाह। और ये कैमरे की आंख ये नेचुरल ब्यूटी को नहीं दिखा पा रही जितनी की मुझे रियल में नज़र आ रहा है। ये देखें इन दोनों की फुल लुक, और मेरी भी दिखा देखो फुल लुक। तो अभी हम जाने लगे हैं, सो लेट्स गो, देखते हैं कि कैसा होता है फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। सो तो यहाँ पर हम लोग शादी हाल में पहुँच आए थे, और हमें पता चला यहाँ पे रात है, और हमारे जाते साथ ही एक्सैक्ट टाइम पे जिस टाइम पे हम पहुँचे उसी टाइम पे ही बारात जो है वो आई। तो हम सेटिस्फाइड हो गए। अब यहाँ 2 से 3 बरातें थी, हम परेशान हो गए थे कि कहाँ पे जाएं, किस साइड पे जाएं। खैर ये सोचते सोचते जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे लेडीज़ थी वो इस तरफ जा रही थी, तो हम लोग इनके साथ साथ पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। और ये यहाँ पर चेक करें खैर यहाँ से इतना ज़्यादा सफ़र था, हम लोग चलते गए एंड यहाँ पर आगे जिनकी वेडिंग होगी ये सारे उनके गेस्ट्स हैं। और यहाँ पर ये जो नाम है याद खान, इनकी शादी थी। खैर हम लोग जो है वो प्रिया पहले एंटर हुई, और उसके बाद जो है वो मैंने भी एंट्री जो है वो मारी ली। सो लेट्स गो। मैंने देखा ऊपर देख के मैं हैरान हो गई, वहाँ पर इतनी लंबी स्टेयर्स और भी ज़्यादा थी। तो खैर अब हम चलते हैं और ऊपर, एंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर स्टेयर्स पे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, इनके काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वगैरह आए हुए थे। आगे पहुँचे तो पता चला दुल्हन वाली साड़ियों ने जो है वो आगे नाकाबंदी की हुई थी, एंड वो कपड़ा लेके खड़े थे कि पैसे वगैरह दें। खैर यहाँ पर भी हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे, और मैंने जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस वे से एंटर हो लिया। और देख सकते हैं यहाँ पे हॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और मैं अब जा रही हूँ वो जगह पर जहाँ पर दुल्हन वाली स्टेज है, और सबसे पहले मैं यहाँ पहुँची और मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। ये 2 बच्चे यहाँ बैठे गेम खेल रहे थे, इनमें से एक बच्चे को मैंने कहा कि आप मेरी वीडियो बना दे, तो खैर बच्चा मान गया और इसने मेरी एक प्यारी सी पिक्चर ये वाली ले ली। और यहाँ पर क्यूट क्यूट बच्चे और भी थे, और ये देखें कितनी क्यूट बच्ची है। खैर मैंने उसके बाद जो है वो अपनी वीडियोस और वगैरह बनाई, और इसके बाद मैं ऐसे हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे और किसी को भी कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। खैर अभी हम लोग यहाँ पर सब लोग हमें देख रहे थे, क्योंकि मैं पिक्चर्स एंड वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा बना रही थी आज का मेरे अदर। तो थोड़ी देर बाद जो है वो खाना खुल गया, लेकिन अभी हमारा नहीं बॉय साइड का खुला था। और यहाँ पे हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि हम लोग इतना जल्दी पहुँच गए थे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए थे, ये मेरे पास फूलों की प्लेट्स मैंने किसी से मांगी और इसकी भी मैंने वीडियोज़ बना ली। खैर ये वाली बच्ची मेरे पास इतना बुरी जा रही थी, तो मैंने सोचा इसे बुला ही लूँ, और इसे मैंने पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ से मैंने वैसे क्लिप्स लिए, मैं ब्राइडल रूम तक पहुँच गई और वहाँ पर निकाह सेरेमनी हो रही थी। मैंने सोचा निकाह की वीडियो बनाऊँ, लेकिन यहाँ पर मुझे निकाह बनाने की वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। खैर मैं यहाँ से फिर निकल आई और फिर मैं दुल्हन वाली स्टेज पे पहुँच गई, और वहाँ पे जाके मैं फिर से अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाने लगी। और ये मेरा हार पहनने का बहुत दिल कर रहा था पर मैंने नहीं पहना। खैर फिर उसके बाद दुल्हन आ गई, और फाइनली जिस लम्हे का इंतज़ार था वो दुल्हन आई, तशरीफ़ लाई। और अब दुल्हे राजा जो है वो उन्हें पकड़ के जो है ऊपर कर रहे थे, और इस पर बहुत ज़्यादा सब ने शोर मचाया और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। माशाल्लाह दुल्हन दूल्हा बहुत प्यारे लग रहे थे, जो भी हैं मैं तो नहीं जानती, लेकिन नाइस, माशाल्लाह। खैर इसके बाद जो है वो अब दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाना था। मुझे तो पहली बार ही पता चल रहा था कि मैं तो शादी पे गई ही नहीं थी, बस वीडियोज़ में ही देखती थी। खैर ये दूल्हा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था, इसने उठा लिया और इसने सही से भी नहीं उठाया। खैर अभी इनकी होनी थी गेट फ्लाई की रस्म, लेकिन उससे पहले इनका भी शूट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे खड़ी थी। पीछे खाना भी खुल चुका था, मुझे कोई परवाह नहीं थी, बिकॉज द मेन एम
आवाज माइक के मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ, और माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको भी कहना चाहूँगी दुल्हन दुल्हन, क्योंकि आप जो भी हो गए मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो मैं वैसे तो इनके साथ जाकर पिक्चर बना नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा मैं इधर ही खड़ी होकर बना लूँ। और ये मेरा जो टिक है वो मुझे इतना परेशान कर रहा था क्योंकि मैंने कभी ज्वेलरी नहीं लगाई। थोड़ी देर बाद आई तो खाना खुल चुका था, तो मैंने सोचा चलो अब कुछ खा लेते हैं। और खाने में जो है वो ये इनका मेन्यू था, और ये मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुकी थी, घर से खा के गई थी, मुझे नहीं पता था शादी पर जाना है, ये प्री प्लान नहीं था, अचानक से प्लान हुआ और मैंने सोचा चले जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, और खाना खाने के बाद मैं फिर से जो है वो पिक्चर बनाने आ गई, और अगेन ये मुझे जो इतनी ज़्यादा तंग कर रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था, और आईज़ बहुत पेन कर रही थी, मेकअप में मुझे बिल्कुल एलर्जी है। मैं फाइनली पहुंच गई, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मैंने दुल्हन से उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, उसे मुबारकबाद दी, फिर मैंने पिक्चर्स बनाई, और उसके बाद जो है वो हम आ गए। अब वापसी पे मैं इनका दोबारा से थैंक यू करना चाहूँगी, अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे इतना अच्छा जो है वो टाइम गुजरा फर्स्ट टाइम का, और उसके बाद जो है वो हम लोग अब वापस आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।